हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अलर्ट हुई मध्य प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस। आज से शुरू हुआ राज्य स्तरीय अभियान लगातार 50 दिन तक चलेगा चेकिंग अभियान। अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी जाएगी हिदायत। बता दें कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों से वसूला जाएगा फाइन। नियमों के विपरीत चलने वाले का वाहन चालकों को देना होगा चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने पर ₹500 और वहीं दो पहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने पर ₹300 का जुर्माना। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे एक लगातार 50 डेज का अभियान चलाया जा रहा है ज़िले में, जिसमें खासकर जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कारों में और हेलमेट नहीं लगाते हैं दोपहिया वाहनों में बिना इसके चलते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसका जो पालन नहीं करते उसके खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। सर, इससे ही पहले मैरिज गार्डन 40 मैरिज गार्डन पे नोटिस दिए गए पार्किंग को लेकर। हाँ जी, मैरिज गार्डन बनाए लोग बनाते हैं लेकिन पार्किंग की जगह नहीं रहती उनमें, पार्किंग रोड पे करते हैं तो दिक्कत लो आम जनता को होती है, इसलिए नोटिस सर्व किए गए। 50 दिन के अभियान में नियम का उल्लंघन करते हैं लोग, तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ चालान जो है किया जाएगा, सभी को जो है चालान किए जाएंगे। चालान की राशि सर ₹500 है। ये पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार 20 नवंबर से 10 जनवरी तक ये बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान स्कूल कॉलेजेस सभी विभागों के प्रमुखों को लेटर जारी किया गया है। इसमें पेट्रोल पंप्स, ढाबे, होटल सभी अपने स्तर पर एक अभियान के तौर पर इसको चलाएंगे और जो दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उनमें अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइश देंगे, जिससे जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उनमें कमी लाई जा सके। ये अभियान है, 50 दिन का अभियान है। इसमें सभी को आदेश निर्देश किया गया है कि वो सभी हेलमेट का उपयोग करेंगे, सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे। सीट बेल्ट को लेकर कितने का चालान है? सीट बेल्ट का ₹500 का चालान है, हेलमेट में आपका ₹300 का चालान है। अभी 3 दिन हमने समझाइश दी है सभी को और सड़क पर खड़े होकर भी लोगों को समझाइश दी है, स्कूल कॉलेज में जाकर लोगों को जागरूक किया है इसके प्रति, और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी सभी थानों को निर्देश किया है कि अपने थाने स्तर पर सब एक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेंगे, अगर उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर चालानी कार्रवाई करेंगे। सर, इससे 2 दिन पहले आपने होटलों पर नोटिस दिए थे पार्किंग को लेकर, क्या बताया? वो अभी शादी का सीज़न आज से शुरू हो रहा है, उसमें हर बार हम देखते हैं कि हमारे शहर में जो मैरिज गार्डन है वो पार्किंग नहीं है उनके पास, तो सड़क पर ही जो शादी में जो व्यक्ति आते हैं सड़क पर ही वाहन अपना खड़ा करके और चले जाते हैं, उसके बाद जो आम जनता है आम नागरिक हैं वो वहाँ से निकलते हैं तो जाम की स्थिति बनती है, उसमें लोग परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। ऐसे परेशान ना हो, कोई भी जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए हमने नोटिस दिया है। अगर वो अपनी पार्किंग व्यवस्था ठीक कर ले तो ठीक है, अन्यथा उसके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।